Assalamualaikum students हमारी आज की वीडियो बायोलॉजी प्रैक्टिकल सीरीज और इसके अंदर हम आज डिस्कस कर रहे हैं रीजंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया आर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ 48 एंड 72 आवर्स के एम्ब्रियो और उससे अगली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड पैनक्रियाज पॉलीटीन क्रोमोसोम ऑफ ट्रोसोफिला कोलन कार्सिनोमा एंड स्क्लेरन कार्सिनोमा सेल्स

इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है और राइट right साइड पे इसकी वो डायग्राम है जो आप प्रैक्टिकल कॉपी में स्केच करना चाहें तो कर सकते हैं मैंने जो डायग्राम प्रोवाइड किए कोशिश की है, की है कि आउटलाइन क्लियर हो ताकि आपको स्केचिंग में आसानी हो सके आ, ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में लाजमी तौर पर आता है कम्पल्सरी क्वेश्चन है और स्लाइड आपको माइक्रोस्कोप में सेट करके दी होती है लैब अटेंडेंट ने आपने आइडेंटिफाई करना होता है रीजन लिखनी होती है चूंकि हम लोग एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं तो हमारे पास यहाँ पर तौर पे की बहुत अच्छी नहीं, है, हमारे बहुत अच्छी के नहीं है, तो ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए घर से याद करके जाएंगे जो आपने वहां पर लिखनी होती है स्लाइड को आइडेंटिफाई करने का आपको आधा नंबर मिलता है और आधा ही नंबर होता है उसकी रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन का तो स्केल्टर मसल की स्लाइड आपके सामने है नेक्स्ट हमारे पास स्मूथ मसल्स आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे माइक्रोस्कोपिक व्यू बैरल शेप है राइट right साइड पे वो डायग्राम है जो आप कॉपी में स्केच कर सकते हैं स्पिंडल शेप सेल आप देखें दरमियान से ब्रॉड है साइडों से पॉइंटेड हैं है, और सिंगल न्यूक्लियस होता है इनके अंदर तो ये इनकी रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन है लास्ट में कार्डिक मसल्स आ जाते हैं कार्डिक मसल सेल्स भी बैरल शेप होते हैं लेकिन ये ब्रांच होते हैं और इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है और आपको वाजे तौर पर इंटरकलेटेड डिस्क नजर आते हैं इंटरकलेटेड डिस्क सिर्फ और सिर्फ जो है वो कार्डिक मसल सेल्स में होते है कहीं और नहीं पाए जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू और राइट साइड पे आपको जो है वो स्केच डायग्राम नजर आ रही है उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए थैंक यू वेरी मच